देखिए कितना मस्त दिखाई दे रहा है, कितना साफ हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये जो चूल्हे का धुआं निकलता है ना, इससे देखिए ये हमारा छप्पर का क्या हाल हो गया है। दोस्तों ये देखिए, अभी हमारा मिठाई एकदम टाइट हो गया है। अभी हम लोग काट रहे थे जैसे मिठाई होता है, ये देखिए दोस्तों कितना मस्त काट रहे हैं हम मिठाई को। दोस्तों अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं अपना ये मिठाई खाने, सबके सामने कटोरे में लग चुका है मिठाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मुकेश सानी और स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, सुबह के 11 बज रहे हैं। अभी हम सब खाना पीना कर चुके हैं और अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने ये जो नया वाला देसी वाला बेड है ना, उस पर हम सभी यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं। और उसी सलोनी, अकीर्ति, अदिति सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे गला गला छोड़ मेरा। ये देखिए दोस्तों, ये रही सलोनी, अरुषि, अकीर्ति, अदिति। देखिए कितना मस्त अदिति कर रही है। हे अदिति, हे अदिति, हे अदिति, हे सुनो सुनो अदिति, हे अदिति, देखिए कितना मस्त खेलने में ही मस्त है। अरे अदिति, अदिति सुनो सुनो, अदिति नमस्ते करो तो देखो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। अरे भाई साहब देखिए कितना प्यारा नमस्ते कही है। और यहाँ पर ये रही दीदी जी, और पता दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं, मतलब बहुत ही प्यारा मिठाई बनाने वाले हैं। और ये इसमें दोस्तों ना कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आदिति अकृति चिल्लाओ मत, भड़बड़ भड़बड़ मत करो, अरे पता, अरे पता है दोस्तों हम ऐसा चीज बनाने वाले हैं ना जिसमें काफी कम बजट में ही हो जाता है। देखिए हाँ, और ये मिठाई दोस्तों जो कमल का फूल रहता है ना, उसके बीच में जो रहता है ना, उसी का बनता है। उसे हम लोग दोस्तों गांव में बेर्रा बोलते हैं और शहर वगैरह में जल कमल वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, लेकिन हम गांव में बेर्रा बोलते हैं। उसके अंदर जो ऐसा छोटा छोटा होता है, इतना बड़ा, तो उसको निकाल कर पानी में से लाया जाता है। और उसमें जो काला काला रहता है, जैसे ये देखिए यही है सरसों की तरह, काला काला जो रहता है, इसको 2-3 दिन सुखाया जाता है। जब अच्छे तरीके से सूख जाता है तो उसके बाद कुछ इस तरह से दिखने लगता है। और दोस्तों ये जो बेर्रा है ना, ये जो कमल के फूल के अंदर होता है ना, ये हमारे यहाँ ना कहीं पर भी पाया जाता है। बरसात के मौसम में कहीं पर भी छोटा मोटा गड्ढा कहीं पर भी हो, हर जगह ये मिल जाता है। तो इसी का दोस्तों आज हम लोग प्यारा सा स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाले हैं हम सब। मतलब मेरे को उतना नहीं आता है, दीदी ही इन सब कामों में एक्सपर्ट है, मेरे को उतना नहीं आता है। तो उसके लिए दोस्तों देखिए कुछ सामान हमने इकट्ठा कर लिया है, खरीद लाया है। इधर ये रहा चीनी इतना है, और ये रहा दूध है, और ये गरी का बुरादा है, और ये घी है देसी घी, और ये काजू बादाम मुनक्का थोड़ा सा है इतना। तो ये सब मिक्स होने वाला है, सबसे पहले इसको पीसा जाएगा ना दीदी। हाँ, इसे ऊपर का छिलका निकाला। ये देखिए दोस्तों, इसका जो एक है ना, एक बर्रा, एक क्वांटिटी ना, ये देखिए, ये एक इसके ऊपर का जो छिलका है ना, इसके ऊपर एक छिलका, उसको निकाला जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा पीसा जाएगा। तो दीदी चलो पीस दो ना। ये देखिए दोस्तों, इधर दीदी जी अभी ये जो बर्रा होता है इसे पीस रही हैं। देखिए ये लोढ़ा है, हम लोग लोढ़ा बोलते हैं इसे गांव में। देखिए कितना टाइम लगे दीदी, एक घंटा लगेगा दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, इधर हम लोग खेल रहे हैं, इधर आकृति को देखिए। अरे अरे दोस्तों, अभी दीदी यहाँ से जो ये बेड है ना, यहाँ से देखिए नीचे जमीन पर आ गई है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों दीदी अभी इसको पीस रही है। और ये देखिए दोस्तों, इतना सारा कचरा निकला है, उसके ऊपर का जो छिलका होता है इतना सारा निकला हुआ है। और यहाँ पर देखिए इतना सारा दीदी ने पीस दिया, देखिए कैसा दिखने लगा है, लाल लाल दिखने लगा है इसके अंदर का। और थोड़ा सा ये बचा है, इसी को पीसने में दोस्तों आधा घंटे से ज्यादा टाइम लगा है, और इसको भी पीसने में लगभग आधा घंटा लगेगा। हमारा ये बर्रा मिठाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी ये देखिए पूरा साफ सुथरा हो चुका है, पीस दिया गया है एकदम, देखिए लाल लाल दिखने लगा है। पहले तो ये कालापन था इसके ऊपर, अभी देखिए कितना अच्छा दिखने लगा है। और दीदी यहाँ पर देखिए धुलने जा रही है ना दीदी। हाँ, थोड़ा बहुत साफ सफाई। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से साफ किया जा रहा है, देखिए देखिए कितना मस्त दिखाई दे रहा है, कितना साफ हो गया, कितना गजब दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी अच्छी तरह से धुल के यहाँ पर देखिए धूप में सुखाया जा रहा है, 10 मिनट तक ये सूखेगा। और दोस्तों अभी देखिए मौसम कैसा है, इतना तेज हवा चल रहा है कि क्या ही बोले। देखिए हवा बहुत तेज चल रहा है, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है इस समय। ये देखिए पूरा हवा ही हवा चल रहा है, और धूल देखिए कितना ज्यादा उड़ रहा है धूल। ये देखिए दोस्तों अभी दीदी पीस रही है, ये जो बर्रा है इसको पीस रही है। देखिए कितना महीन महीन हो जा रहा है, एकदम बारीक हो जा रहा है। जैसे दोस्तों गाँव में मतलब पिसान बोलते हैं, आप लोग आटा जानते होंगे। देखिए कितना मस्त पीसा जा रहा है। दोस्तों ये देखिए दीदी ने पूरा एकदम बर्रा एकदम बारीकी से पीस दिया है,
ये देखिए कितना बारीक कितना महीन एकदम आटा, हाँ एकदम आटा लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आग पकड़ाने जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए दोस्तों मम्मी जी भी आ चुकी हैं, गई थे खेत देखने। मम्मी जी गई थे खेत देखने धूप में। और इधर विजय भाई भी आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। और दोस्तों यहाँ पर आग भी पकड़ लिया, ये देखिए पकड़ लिया ना दीदी आग, अच्छे से पकड़। और ये देखिए दोस्तों ये जो चूल्हे का धुआं निकलता है ना, इससे देखिए ये हमारा छप्पर का क्या हाल हो गया है। चेहरा अगर चिपक गया तो पूरा एकदम गोरा आदमी भी काला दिखने लगेगा ना अम्मा, पूरा देखिए कैसा हो गया है, ये देखिए पूरा काला काला हो गया है एकदम। दोस्तों अभी धुआं होने लगा है बहुत तेज और कड़ाही एकदम गर्म हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों ये जो काजू बादाम मुनक्का था ना दीदी ने इसको एकदम पीस दिया है। और यहाँ पर ये जो घी है ये सब इसमें डालने जा रही है दीदी, डालिए दीदी इसमें, ये भी डालोगे इसी वक्त, हाँ इसी में भूनेंगे, भूनेंगी दीदी। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे हम लोग गांव देहात में बना रहे हैं देसी मिठाई एकदम। और ये दोस्तों खाने में जो स्वाद रहेगा ना वो दोस्तों जो हलवाई का मिठाई रहता है ना वो भी एकदम फेल हो जाएगा ना दीदी। ये देखिए दोस्तों दीदी कुछ इस तरह से इसको मिक्स कर रही है। यहाँ पर दोस्तों सलोनी ललचा रही है शायद दोस्तों अभी हमारा ये बर्रा एकदम अच्छी तरीके से भुन गया है। और ये देखिए दोस्तों दीदी यहाँ पर दूध डालने जा रही है। और ये बाप रे ये देखिए कैसा होने लगा ये देखिए दोस्तों कैसा होने लगा, डालेंगे चीनी, ये चीनी भी जा रहा है दोस्तों इसमें लगभग एक पाव होगा ना, एक पाव पानी सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर सामान डाला जाएगा। दीदी यहाँ पर जा रही है जल्दी जल्दी पानी लेने के लिए, पानी था ही नहीं यहाँ पर। और देखिए कैसा मस्त दिखने लगा, काजू मुनक्का बादाम सब कुछ डाल दिया गया इसमें, चीनी लेके आओ और चीनी। हाँ। दोस्तों सारा कुछ सामान एकदम मिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पर दीदी थोड़ा सा और चीनी डाली है क्योंकि लग रहा था कि चीनी थोड़ा सा कम होगा तो मिठास कम रहेगी। देखिए अभी सारा कुछ सामान इसमें मिक्स कर दिया गया है और देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये दोस्तों जो गरी का बुरादा है ये थोड़ी देर बाद डाला जाएगा, बनने के बाद ऊपर से ऐसे ऐसे डाला जाएगा ताकि दिखने में और भी सौंदर्यता इसकी बढ़ जाए। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त हमारा मिठाई उबल रहा है, देखिए गांव देहात में कैसे मिठाई बना रहे हैं हम लोग। आप लोग भी सोच रहे होंगे दोस्तों ये कैसे मिठाई बनेगा ना, अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद इसका जो लुक दिखेगा, जो मिठाई का नजरिया दिखेगा ना आप देख के ललचा जाओगे। वैसे हमारे तो मुंह में पानी आ ही रहा है सच में दोस्तों मजा ही आ जाएगा, देखिए कितना मस्त उबल रहा है, देखिए भड़बड़ भड़बड़ हो रहा है, मजा आ जाएगा आज दोस्तों गांव का ये देहात का बेर्रे का मिठाई मतलब कमल के फूल का मिठाई खा के एकदम मजा ही आ जाएगा। दोस्तों अभी हमारा ये जो मिठाई है काफी हद तक पक चुका है, उबल चुका है, बन गया ना दीदी एकदम, हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों दीदी आग को बुझा रही है। दोस्तों अभी दीदी ने ये जो कढ़ाई था और कढ़ाई में जो हमारा ये मिठाई है उसको दीदी उतार के जमीन पर रख दी है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों दो थाली है और उसमें थोड़ा सा घी मिला के ऐसे पोत दिया गया है ताकि दोस्तों चिपके ना हमारा ये मिठाई। और ये देखिए दोस्तों दीदी निकाल के थाली में रख रही है, ये देखिए दोस्तों दीदी ने दोनों थाली में बराबर एकदम रख दिया है मिठाई को। और यहाँ पर दोस्तों अभी ये देखिए दीदी बराबर कर रही है दोस्तों एकदम मस्त अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये देखिए दोनों थाली में मिठाई को हम लोगों ने एकदम बराबर एकदम समतल कर दिया है, ये देखिए। अब दोस्तों थोड़ी देर इसको लगभग आधा घंटा नम्मा आधा घंटा सूखने देते हैं इसको, हाँ तब अब काटे, हाँ मतलब मम्मी कह रही है आधा घंटा तक इसको ऐसे सूखने देते हैं। दोस्तों इसको एकदम मिठाई के जैसा छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा काटेंगे और काफी ज्यादा मजा आएगा खाने में। दोस्तों ये देखिए अभी हमारा मिठाई एकदम टाइट हो गया है। अब दोस्तों हम लोग इसको काटने जा रहे हैं मिठाई के साइज का, ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग काट रहे हैं जैसे मिठाई होता है जो घर का चाकू होता है उसी से काट रहे हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे पूरा काटना है, ये देखिए दोस्तों कितना मस्त काट रहे हैं हम मिठाई को। दोस्तों देखिए एक लाइन हमने काट दिया है, अब मिठाई के जैसे काटते हैं एकदम ऐसे, ये देखिए देखिए दोस्तों कितना मस्त कट रहा है, एक कर दिया दोस्तों हमने, देखिए काट दिया एकदम मिठाई के साइज का, इसको भी काट देते हैं, दीदी काट दो आप, दीदी काट रही है दोस्तों इस बार, ये देखिए दोस्तों और उसी को ललचा रही है, ललचा रही हो कटोरा वटोरा लेके पहले से बैठी है दोस्तों ये देखिए अभी दोनों मिठाई को हमने काट लिया दोनों थाली का। और यहाँ पर दीदी ये देखिए बुरादा ऐसे इसके ऊपर छिड़ रही है। दोस्तों अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं अपना ये मिठाई खाने। और ये देखिए इतना सारा दोस्तों हम लोगों ने कटोरा यहाँ पर लगा दिया है, इतने लोग घर में भी नहीं है चलो अभी सभी के सामने दोस्तों अभी दोस्तों सब में रख देते हैं अपना मिठाई, ये देखिए देखिए एकदम मिठाई जैसे मिठाई मिलता है ना आपको हलवाई की दुकान पर ना,
बाजार में एकदम सेम सेम वैसा ही मिठाई है। देखिए ये देखिए, कौन नहीं कहेगा ये मिठाई है। चलो पांच पांच रखते हैं एक में, इतना मस्त लग रहा है दीदी अम्मा, मस्त है ना दोस्तों। अभी देखिए हम सबके सामने कटोरे में लग चुका है मिठाई, अब हम लोग खा रहे हैं। आइए खाओ खाओ, मस्त। अकृति और अदिति सोए हैं और पिताजी गए हैं चौराहे पर कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। हम लोग खा रहे इधर मिठाई। अम्मा देखिए मस्त दोस्तों, अभी देखिए विजय भाई भी आ चुके हैं खाने के लिए। और अभी दोस्तों ये देखिए, ये वाला मैं काटा था और देखिए कितना बड़ा बड़ा है। ये वाला पीस बहुत बड़ा बड़ा है क्योंकि हमारे मुकेश भाई ने काटा है। इधर देखिए दोस्तों, मुकेश भाई ने काटा। खाओ खाओ। ओ मैं सोचा कि मुझे देने वाले हो। चौराहे पर जो हलवाई बनता उससे कम है? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अब तो खाऊंगा दबा के। हम लोग दोस्तों इसके पहले भी बहुत ज्यादा खा लिए हैं। विजय भाई कितना खा जाओगे? अगर एक भी नहीं खाए होते तो कितना खा जाते? कितना ऐसे ऐसे कितना खा जाते? एक भी नहीं खाए होते तो एक कम पड़ जाता पूरा पूरा। दोस्तों अभी रात हो चुका है, काफी ज्यादा रात हो चुका है और अभी हमने खाना पीना भी कर लिया है। और दोस्तों आज मिठाई खा के तो सच में मजा ही आ गया। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी जी बैठी हुई हैं। अम्मा कैसा लगा आज मिठाई खा के? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत नीक लग रहा, बहुत अच्छा बना लो रहा, एकदम मजा आ गया दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, आप सबके प्यार वर्ड सपोर्ट से जो हमने नया वाला ये बेड लिया है, ये नया वाला बिस्तर लिया है ना, जो देसी बेड है, देखिए यहाँ पर अपने इस झोपड़ी में हम इसको स्थापित कर दिए हैं, यहाँ रख दिए हैं। अब दोस्तों हम यहीं पर सोएंगे, देखिए कितना मजा आएगा। और यहाँ पर बिस्तर वगैरह सब कुछ हम लगा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए सिर के बगल में ही अपना ये जो बोर्ड रहता है वो भी लगा दिए हैं, अब सोने का अलग ही मजा मिलेगा। तो दोस्तों बस आज की इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।